जैक्सन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, पशुओं में भूख न लगना खुद कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे बीमारी के शुरुआती स्टेज का लक्षण होती है। ऐसे में क्या है, पशु हमारा कम खाता है या वो बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पशुओं को भूख न लगने के क्या कारण हो सकते हैं और हम इसका उपचार घर पर ही देसी तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पशुओं को भूख न लगना या कम चरने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका पशु कम चर रहा हो, उसे भूख नहीं लग रही है, तो आप उसके मुंह को खोलकर देखिए कि उसके मुंह में कहीं या जीभ पर कहीं कट न लगा हो या फिर उसके मुंह में कहीं छाले न हो, जिसकी वजह से वो कम चर रहा है या बिल्कुल भी नहीं चर रहा हो। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि कई बार हमारा जो पशु हैं वो जीवाणुओं और विषाणुओं से उत्पन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें बुखार हो जाती है और बुखार के कारण हमारा पशु अच्छे से चरता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, एक कारण ये हो सकता है कि हमारा पशु बैक्टीरिया से उत्पन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अब ऐसे रोगों में क्या है कि हमारे पशु को बुखार तो नहीं होती, लेकिन जो उनका डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिससे कि उनके गोबर और हम गोबर और मूत्र से आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे में हमारा पशु चरता कम है, जिससे कि उसमें कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक मिश्रण बताने वाला हूँ, जिसमें कि हम काफ़ी सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके उन्हें पीस के एक चूर्ण बनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सामग्रियाँ हैं वो इस तरह से हैं, आप कागज़ पेन लेकर उन्हें लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है त्रिकुट, यानी कि त्रिकुट दोस्तों तीन चीज़ों का मिश्रण होता है, सौंठ, पीपल और काली मिर्च का। तीनों चीज़ एक बराबर होती हैं इसमें। और दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है काला जीरा, तीसरी जो चीज़ है वो है सफ़ेद जीरा, इसके बाद आपने लेना है चीता, इसके बाद आपने लेना है बच, फिर है हींग, सौंठ, देसी राई जिसे हम रेची भी कहते हैं, इसके अलावा अजवाइन, हल्दी, सुहागा। दोस्तों, सुहागा आपने भुना हुआ लेना है, और इसके अलावा फिटकरी, फिटकरी भी आपने भुनी हुई यानी कि सेकी हुई फिटकरी लेनी है। फिर आपने लेना है दोस्तों सेंधा नमक, काला नमक, हरड़, वहेड़ा, सूखा आंवला, वायविडंग, कुटकी, जवाखार। ये दोस्तों जो आइटम हैं ये आपको इसमें डालनी है, और इन आइटमों को सबको इकट्ठा करके बराबर मात्रा में आपने पीस लेना है, और पीस के इसको अच्छे से छान कर रख लेना है। अब दोस्तों, इसको देने की जो तरीका है वो क्या है कि आप इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं, गुड़ में मिलाकर दे दीजिए, रोटी पर डालकर दे दीजिए या दाने में खिला दीजिए। अब दोस्तों, कितनी मात्रा कौन से पशु को देनी है, अब दोस्तों अगर आपकी गाय या भैंस है, वयस्क गाय या भैंस है, तो उसको आप प्रतिदिन 50 ग्राम दे सकते हैं, और जो वयस्क कटड़ी कटड़ा या बछड़ी बछड़ा है उनको आप प्रतिदिन 20 ग्राम दे सकते हैं। इसके अलावा जो भेड़ बकरियां हैं उनको आप प्रतिदिन का 10 ग्राम ये चूर्ण दे सकते हैं। दोस्तों, ये चूर्ण आप जब आपको लगे कि आपके पशु को भूख नहीं लग रही तो आप दे सकते हैं, और जब आपका पशु नॉर्मल हो जाए तो आप इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आप हफ्ते में एक बार इसे दे सकते हैं, ताकि पशु को भविष्य में ऐसी दिक्कत न आए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक कीजिए, आप हमारे ब्लॉग पर जाएंगे तो वहाँ आपको पूरी डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, और साथ ही इस देसी तरीके के साथ साथ इस बीमारी का आपको वहाँ होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।